Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode we'll discuss how to get rid of cold. Agar aap sardi se pareshan hai to ye video zarur dekhiye. Let's roll the intro. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट रीड ऑफ कोल्ड। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करिए। रोज़ के रोज़ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट वहाँ पर अपलोड करता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही में अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो एक बार बेल आइकन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए बैक टू द वीडियो। गाइस, जैसे विंटर आ गया है एंड विंटर के टाइम पे कभी ना कभी सबको सर्दी की प्रॉब्लम ज़रूर होती है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्दी के टाइप्स क्या है एंड इसके होम रेमेडीज़ क्या है, जिससे आप इजीली सर्दी को ठीक कर सको। तो गाइस, बेसिकली सर्दी तीन टाइप की होती है। जो पहला टाइप रहता है वो रहता है एलर्जिक सर्दी। तो ये आपको 12 महीने में कभी भी हो सकता है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या फिर बरसात हो। बेसिकली क्या रहता है, हम ह्यूमन बींग किसी ना किसी चीज़ से एलर्जिक रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग स्मोक से एलर्जी रहती है, बहुत सारे लोगों को डस्ट से एलर्जी रहती है, या फिर किसी को कॉटन से होता है, या फिर किसी को किसी फ्रूट या वेजिटेबल से भी एलर्जी रहती है। तो इस वजह से वो एलर्जिक सर्दी होगी। अब जो दूसरा कैटेगरी रहता है, स्पेशली बारिश के टाइम पे या फिर ठंडी के टाइम पे होती है, वो रहता है वायरल। एंड अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा वायरल वाली सर्दी होती है। और जो थर्ड कैटेगरी रहती है वो रहता है बैक्टीरियल सर्दी। बेसिकली ये जो सर्दी रहती है ये किसी के थ्रू किसी में ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हो एंड वहाँ पर किसी को सर्दी है और फिर आपको उनसे सर्दी हो जाता है। और बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं ये बैक्टीरियल सर्दी के लिए होता है। और किसी को भी किसी भी टाइप की सर्दी हो सकती है। और जनरली लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिस्ट में जाते हैं और सर्दी की दवाई मांग के उसको पिल को पॉपअप कर लेते हैं। लेकिन गाइज, आपको पता ही नहीं होता कि आपको बैक्टीरियल सर्दी है या फिर आपको वायरल सर्दी है या फिर आपको जो एलर्जिक सर्दी है। इस वजह से क्या होता है, मोस्टली जो भी आप एंटीबायोटिक या फिर पिल्स लेते हैं वो आपको इफेक्टिव नहीं होता है। और स्पेशली एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ही रहता हूँ मैं हमेशा। मैं आप सबको बताता हूँ कि जितने कम मेडिसिन आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और साथ में आप हेल्दी भी रहेंगे। तो आज जानेंगे कुछ घरेलू उपचार जिससे आपकी सर्दी एकदम कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको सर्दी हुई है तो हमेशा गर्म पानी से आपको लाइक नहाना चाहिए, ठंडी चीज़ों से दूर रहनी चाहिए, ठंडी पानी नहीं पीनी चाहिए। साथ ही में जो भी फूड आइटम आप खा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें गर्म होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, कभी भी आप बाहर जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से आप स्वेटर या फिर जैकेट्स पहन के जाइए। स्पेशली आपके जो नाक एंड मुंह रहता है ये आपका कवर्ड होना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस स्कल कैप डाल के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आपके जो नाक एंड जो मुंह रहता है वो ओपन रहता है। इस वजह से वहाँ से आपको ठंडी हवा लगती है एंड ठंडी हवा में होता है मॉइस्चर, और जिससे आपकी सर्दी बढ़ सकती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको क्या करना है, जब भी आपको पानी पीना है तो उसमें आपको ज़्यादातर टाइम पे गर्म पानी पीना है, जिससे आपकी सर्दी थोड़ी ठीक हो सकती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप सोते हैं तो सोने के पहले आप गर्म दूध में हल्दी डाल के पीना है। बिकॉज हल्दी जो रहता है वो रहता है नेचुरल एंटीबायोटिक, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपकी सर्दी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक काढ़ा बनाना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, जिसमें आपको चाहिए काली मिर्च, साथ ही में अदरक, तुलसी के कुछ पत्ते और हल्दी, और साथ ही में हनी भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट 1x1 आपको लेना है और इसको क्रश करना है। अब क्या करना है, एक बर्तन में आपको पानी लेना है। पानी जब बॉयल हो जाए तो सारे इंग्रेडिएंट उसमें डाल दीजिए, उसको नियर अबाउट 10 मिनट्स तक बॉयल करिए, जिससे सारे एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए और आपका काढ़ा तैयार हो जाए। अब बस इसको स्ट्रेन करके आपको हनी मिला के दिन में 3 से 4 बार आपको पीना है, जिससे आपकी सर्दी कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्टीम लेना है दिन में 2 से 3 बार। उसके लिए आप या तो स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बाल्टी में भी गर्म पानी डाल
डाल के स्टीम ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, यूकलिप्टस ऑयल, जो इजीली किसी भी केमिस्ट में अवेलेबल है। तो नियर अबाउट 2 या 3 रुपए की एक पिल आती है, तो एक पिल आपको उसमें ऐड कर देना है और आपको स्टीम लेना है। यूकलिप्टस ऑयल के साथ स्टीम लेने से क्या होगा कि आपका जितना भी बंद नाक रहेगा या फिर जो आपका कफ रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा, साथ ही में आपको सांस लेने में बहुत ईजी होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा हनी एंड थोड़ा सा जो जिंजर रहता है उसको क्रश करके साथ में मिला के आप खाइए। अगेन इसमें आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही में तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें हर्बल रहती है और आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है, जिससे आपकी सर्दी अगेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको सर्दी है आप फास्टिंग करने की कोशिश करिए, बिकॉज हमारे आयुर्वेदा में फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। बिकॉज जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी खुद ब खुद अपनी बीमारी को हील करने की कोशिश करती है। मैंने प्रीवियसली एक डिटॉक्स वाला वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। अब कुछ प्रिकॉशन जान लेते हैं जिससे आपकी सर्दी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप स्मोक कर रहे हैं या फिर टोबैको च्यू कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बंद कर देनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी सर्दी को ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप घर में रहे या फिर बाहर जाए तो ठंडी हवा से आपको बच के रहना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप शावर ले रहे हैं, बिकॉज सर्दी के टाइम पर भी शावर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से जब भी आप शावर ले रहे हैं तो हमेशा गर्म पानी से शावर लीजिए। तो ये रहे सारे पॉइंट जिससे आपकी सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। लेकिन गाइस एक बात बता दूं, आपको जब भी सर्दी होती है थोड़ा सा पेशेंस लेना पड़ेगा, ना कि बहुत सारी गोलियां खाएंगे तो आपकी सर्दी ठीक नहीं होगी। एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगता है जिससे आपकी सर्दी कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। और इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।